हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलॉजिकल या वाटर साइकिल के बारे में। सो बेसिकली दिस हाइड्रोलॉजिकल और वाटर साइकिल ये डिस्क्राइब करता है कि पानी कैसे कंटिन्यूअसली साइकिल्ड होता है थ्रू अर्थ, मतलब हमारा जो भी लैंड है उससे ओशन, मतलब कि वाटर सोर्स एंड एटमॉस्फियर में। सो देर आर थ्री थिंग्स इन्वॉल्व, अर्थ इन्वॉल्व होता है, लैंड इन्वॉल्व होता है, ओशन इन्वॉल्व होता है एंड एटमॉस्फियर इन्वॉल्व होता है। सो इन शॉर्ट यू कैन से दैट वाटर साइकिल इज द मोशन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्राउंड टू एटमॉस्फियर, ग्राउंड से एटमॉस्फियर में जाएगा और एटमॉस्फियर से अगेन इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड कम बैक टू ग्राउंड अगेन इन द फॉर्म ऑफ वाटर। सो बेसिकली द होल प्रोसेस इन्वॉल्व दिस वेरियस स्टेजेस। सबसे पहला स्टेज होता है इवोपरेशन। सो हियर यू कैन सी द वाटर बॉडी। वाटर बॉडी में जो भी पानी होता है वो पानी का वेपर में कन्वर्जन होता है, मतलब बाष्प में कन्वर्जन होता है। और ये जो होता है वेपर वो लाइट होता है, इसकी वजह से वो एटमॉस्फियर में ऊपर की तरफ जाता है। तो फर्स्ट स्टेज होता है इवोपरेशन, मींस कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। जब वो वाटर वेपर ऊपर एटमॉस्फियर में जाता है तब टेम्परेचर कम होने लगता है, बिकॉज एज द हाइट इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस। सो उस डिक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से आपका जो कंडेंसेशन है वो स्टार्ट होता है। अभी जैसे ये इवोपरेशन हो रहा है वैसे ही प्लांट्स में से भी पानी का कन्वर्जन होता है वाटर वेपर में, सो उसे ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। सो दिस बोथ इवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर स्टेट टू वेपर स्टेट। सो फर्स्ट इज इवोपरेशन, दैट इज फ्रॉम वाटर बॉडी, ट्रांसपिरेशन दैट इज थ्रू प्लांट्स एंड इट विल गो अप। एंड यहाँ पे कंडेंसेशन होता है, मींस अगेन दिस वाटर वेपर विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। तो जब ये कंडेंसेशन होता है तब बहुत सारे ड्रॉपलेट्स मिक्स हो जाते हैं एंड उसे बोला जाता है क्लाउड्स। तो वो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और जब हैवी करंट्स आते हैं तो ये क्लाउड्स जो फॉर्म हुए होते हैं उस क्लाउड में से इन द फॉर्म ऑफ रेन प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होता है। प्रेसिपिटेशन इज नथिंग बट इट इज द सिंपल फॉर्म ऑफ रेन। और फिर जितने भी हमारे ग्लेशियर्स वगैरह है और वहाँ से जब ये पानी नीचे आता है लैंड पे तो इसे बोला जाता है रन ऑफ। एंड जो भी पानी थ्रू सॉइल लेयर्स कलेक्ट होता है और इन्फिल्ट्रेट होता है, मतलब इट विल पास थ्रू द वेरियस लेयर्स ऑफ सॉइल एंड इट विल परकोलेट इन द डी इन इन द डेप्थ ऑफ योर सॉइल लेयर। तो उसकी वजह से ग्राउंड वाटर बनता है। सो जमीन के नीचे भी ग्राउंड का एक लेयर ग्राउंड वाटर टेबल होता है जिसमें पानी भरा होता है, जिसे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। अगेन दिस ग्राउंड वाटर सम वे इट इज कनेक्टेड विद द सरफेस वाटर सोर्स लाइक ओशन, रिवर एक्सेट्रा। सो अल्टीमेटली अगेन ये पानी अवेलेबल हो गया है, अगेन इवोपरेशन एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज। सो इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ इन अ सिंपल फॉर्म यू कैन शो ऑल दिस स्टेप्स। सो फर्स्ट इज इवोपरेशन, सो यू कैन शो दिस वाटर बॉडी लेक pond, ocean, and you can show this upward arrow for the evaporation. Then for the transpiration, you can show this vegetation. So, वहाँ पे जो conversion of water to water vapor होता है, उसे transpiration बोला जाता है. Then condensation, मतलब higher height पे गए तो cloud formation होता है, मतलब vapor to again conversion into water droplet. Then precipitation means downward arrow, that is rain and different forms of rain, snow भी हो सकता है. Next is runoff. Runoff means जो भी पानी हमारा ग्लेशियर्स के फॉर्म में है वो पिघल के जब नीचे आने लगता है तो उसे रन ऑफ बोला जाता है। और जो भी पानी अवेलेबल है वो सॉइल के लेयर के थ्रू पास होके जब ग्राउंड वाटर बनाता है उसे बोला जाता है इन्फिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन। सो अगेन दिस वाटर बॉडी, इसके अंदर पानी अवेलेबल हो गया क्योंकि ये ग्राउंड वाटर भी कहीं ना कहीं ये सरफेस वाटर बॉडी के साथ कनेक्टेड है। सो अगेन वाटर इज अवेलेबल, सो ये साइकिल चलता रहता है। सो जस्ट टू समराइज, फर्स्ट इवोपरेशन फ्रॉम water body, transpiration from plants, then so we have first evaporation, then transpiration, then cloud formation after condensation, then precipitation means rainfall and collection of underground water. मतलब यही जो cycle है वो continue होता रहता है और again water body में पानी मिलता है and cycle continues as it evaporates through our sunlight. So अगर हम human impact के बारे में बात करें तो आजकल इतना ज़्यादा पानी का डिमांड बढ़ गया है ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्स हो रहा है, नॉट ओनली सरफेस वाटर सोर्स, हम ग्राउंड वाटर सोर्स भी डिप्लीट कर रहे हैं यूजिंग ट्यूबवेल एंड ऑल। नेक्स्ट वाटर पॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट वाटर वी आर डिस्चार्जिंग इन अवर रिवर एंड ओशन,
एंड दैट विल डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ वाटर। देन अगर हम जब हैवी डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ काटते हैं और वेजिटेटिव कवर को हम कम करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, पेड़ जो जड़ें होती हैं उनकी जो रूट्स, वो पानी को रोक के रखते हैं, मतलब रन ऑफ ज़्यादा होने नहीं देते और वो ग्राउंड में जाता है। तो अगर हम पेड़ कट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो वो रन ऑफ को इंक्रीज करेगा, एंड दूसरा ट्रांसपिरेशन लॉसेस भी कम होंगे, क्योंकि ट्रांसपिरेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर थ्रू प्लांट्स, तो वो भी कम हो जाता है। एंड लास्ट दिस ग्लोबल वार्मिंग, इतना ज़्यादा जो हाई टेम्परेचर बढ़ गया है उसकी वजह से इवोपरेशन रेट पे भी चेंज आता है, और उसकी वजह से वाटर साइकिल जो है हमारा वो भी ऑल्टर हो गया है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कहीं पे ज़्यादा सूखा पड़ता है। सो हाउ वी हैव अफेक्टेड दिस वाटर साइकिल, दैट वी शुड थिंक। एंड एक ही सॉल्यूशन है इसका कि वी शुड ट्राई टू ग्रो मोर ट्रीज एंड वी शुड ट्राई टू लिव अ इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल टू सेव अवर नेचर। तो अगर आपको लगा कि लेक्चर यूजफुल है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।